हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी तो आपको पता होगा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इससे एक बहुत ही लजीज आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी। सो हियर आई एम फुलफिलिंग दैट प्रॉमिस। एंड अगर आपने नहीं देखी तो पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास घर में कंडेंस मिल्क नहीं है तो वो आप आराम से आसानी से घर में बना सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क है ये हमारा, जो हमने लास्ट टाइम प्रिपेयर किया था, तकरीबन ये 1 लीटर है। और इसके साथ ही मैंने सिर्फ एक और इंग्रेडिएंट यूज़ करनी है, जिसमें फ्लेवर के लिए सिर्फ मैं वनीला एसेंस थोड़ा सा यूज़ करूँगी। और ये दो इंग्रेडिएंट्स डाल के इतनी लजीज मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसी, बल्कि बाज़ार के भी हाई एंड ब्रांड जैसी आइसक्रीम आपके घर में तैयार हो जाएगी। ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी आइसक्रीम नहीं बनेगी, ये एक्सट्रीमली डिलीशियस आइसक्रीम बनेगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, बिकॉज आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू गाइज कि आपने आइसक्रीम कैसे बनाई। इसी की तरह ये सिर्फ मैं आज आपको चोको चिप वनीला आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी, लेकिन इसी तरह से आप बहुत सारे अदर फ्लेवर्स की आइसक्रीम बना सकते हैं यूजिंग ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स। और एडिशनल इंग्रेडिएंट जो आप यूज़ करेंगे वो फ्रूट की स्मूदी होगी। तो उनकी रेसिपीज़ भी मैं आहिस्ता आहिस्ता साथ आपके शेयर करती जाऊंगी अलोंग द वे। और अलोंग द वे का मतलब है कि जिसने अलोंग द वे मेरे साथ जाना है और इस जर्नी को फॉलो करना है, तो वो उसके लिए लाजमी है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, और अच्छा नहीं है कि आप मुफ्त में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जानें। तो आए चलते हैं और देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे इसके साथ और कैसे इतनी लजीज आइसक्रीम बनाएंगे जो कि प्रोफेशनली और कमर्शियली भी सेल की जा सकती है। तो देखें, ये मैंने इसके अंदर व्हिप्ड क्रीम मिक्स कर दी। मुझे यहाँ पे ये आसानी है कि यहाँ पे मुझे बनी बनाई व्हिप्ड क्रीम मिल जाती है, लेकिन अगर आपको ना भी मिले तो उसके लिए आपने होल फैट जो क्रीम होती है वो लेके और उसको थोड़ी देर के लिए आपने उसको व्हिप करना है। यानी जो आपको हैंड मिक्सर होता है उसके साथ आपने उसको मिक्स करना है और वो फ्लफ़ी हो जाती है। और उसका अगर आपको तरीका नहीं आता तो वो मैं किसी एक वीडियो में आपको दिखा दूँगी। बहुत आसान तरीका है, आप यूट्यूब पे वैसे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। तो अगर तो आपको इसी तरह व्हिप्ड क्रीम मिल जाए बनी बनाई तो बहुत अच्छा है, अगर आपको नहीं मिलती तो आप उसको घर पर कोई भी होल फैट जो है वो डेरी क्रीम लेके किसी भी ब्रांड की, उसको आप अच्छी तरह से ऐसे व्हिप करेंगे तो वो इस तरह से फ्लफ़ी और वो आपको थिक कंसिस्टेंसी में बड़े आराम से तैयार हो जाएगी। तो इसको आपने मिक्स करना है, इक्वल क्वांटिटीज तकरीबन समझ लो मेरे पास थी, ये दोनों मैंने मिक्स कर दी हैं। इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस डाली है और इसके अंदर मैंने चॉकलेट चिप्स डाल देने हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हाई एंड लग्जूरियस किस्म की हाई एंड ब्रांड्स वाली। इट वॉज इवन मोर डिलीशियस देन वॉल्स, इट वॉज इवन मोर डिलीशियस देन बेन एंड जेरीज, ट्रस्ट मी। अब इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, इसको आपने सिंपली इस तरह से मिक्स करके और आपने 2 सांचे ले लेने हैं, 2 मोल्ड्स ले लेने हैं और उसको आपने ओवरनाइट फ्रीज कर देना है। कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वो टोट के हैक्स वगैरह देख के, यानी कोई आइस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस मिक्सचर को सिंपली एज इट इज़ 2 मोल्ड्स लें, 2 पैन्स लें, उसमें डाल के आप अपने फ्रीज़र में रख दें ओवरनाइट और अगले दिन आप इसको इन्जॉय करें। तो ये मैंने इसी के अंदर, इसका जो कूल विप का जो मेरे पास टब था, मैंने उसी के अंदर एक डाल दिया है और साथ में मैंने एक ट्रे में डाल दिया है, जो मेरे पास एल्युमिनियम की ट्रे थी। तो ये हमारी एक ट्रे जो है वो फ्रीज़ होके बन चुकी है, ओवरनाइट तो नहीं, कुछ आवर्स के बाद ये मैंने आपको दिखाने के लिए निकाली है। देयर एज़ यू कैन सी, इतनी मज़ेदार आइसक्रीम हमारी तैयार हो चुकी है और इसको आप इन्जॉय कर सकते हैं। मज़ीद इसको अगर आप इन्हांस करना चाहते हैं तो इसको पीनट बटर और हर्शीज़ के चॉकलेट सिरप के साथ इन्जॉय करें।